हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, ट्रेन से ट्रैवल करने के दौरान हर कोई चाहता है कि उसको उसका मन पसंदीदा सीट मिले, बट उसे मिल नहीं पाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ट्रेन में ट्रैवल करने के दौरान कौन सा सीट अच्छा होता है, कौन सा बर्थ बेस्ट है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं। दोस्तों, अगर बात करें लोअर बर्थ की, तो लोअर बर्थ ज़्यादातर केसेस में सीनियर सिटीजन्स को ही दिया जाता है। अगर आप टिकट बुक करने जाते हैं और लोअर बर्थ सेलेक्ट करते हैं तो आपको मिलता नहीं है, आपको नॉर्मली मिडल या अपर बर्थ ही मिलेगा। बात करें लोअर बर्थ की, तो अगर आपको लोअर बर्थ मिलता है तो आपके लिए अच्छा है, आपको सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप अपने सीट पर ही बैठ के या फिर सोकर यात्रा कर सकते हैं। बट यहाँ पर मेन प्रॉब्लम ये आता है कि दिन के टाइम पे मिडल बर्थ या अपर बर्थ वाला पैसेंजर आके बैठ सकता है, उसका जब मन चाहे वो अब लोअर बर्थ पे आके बैठ जाएगा और जब मन चाहेगा अपने अपर बर्थ पर जाकर सो सकता है। बट लोअर बर्थ वाले को यहाँ पर प्रॉब्लम होता है, लोअर बर्थ वाला पैसेंजर अगर कोई बैठ गया है तो उसको उठा के दिन के टाइम पे नहीं सो सकता है। ये बहुत बड़े डिसएडवांटेज है लोअर बर्थ पैसेंजर वालों के लिए। वहीं पर अगर आप स्लीपर क्लास के लोअर बर्थ पे ट्रैवल कर रहे हैं तो वो आपके लिए रिस्की भी रहता है। अगर आप अपना बैग हो गया, पर्स हो गया, वो खिड़की के पास रखते हैं तो कोई भी खिड़की से हाथ डाल के निकाल कर लेके जा सकता है। यहाँ तक देखा गया है कि लेडीज़ का चेन भी खींच के भाग जाते हैं खिड़की के अंदर हाथ डाल के लोअर बर्थ पैसेंजर्स का। और जब भी रात के टाइम पे लोअर बर्थ पे सोते हैं तो वो भी बहुत बड़ा रिस्की रहता है, क्योंकि कोई भी आता जाता है और आप गहरी नींद में सो रहे हैं तो आपका पर्स वगैरह लेके कोई भी जा सकता है। बट सीनियर सिटीजन्स के लिए लोअर बर्थ बेस्ट रहता है। वहीं पे बात करें मिडिल बर्थ की, तो जिन पैसेंजर्स को मिडिल बर्थ मिलता है वो बहुत बड़े दुर्भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि मिडिल बर्थ वाला पैसेंजर दिन के टाइम पे अपनी सीट खड़ी करके सो नहीं सकता है, क्योंकि दिन के टाइम पे लोअर बर्थ पे सब बैठे रहते हैं। तो अपर बर्थ वाला पैसेंजर कभी भी जाके सो सकता है, बट मिडिल बर्थ वाले को दिन में सिर्फ बैठकर ही अपना टाइम गुजारना पड़ता है। रात के टाइम पे 10 बजे के बाद ही वो अपना मिडिल बर्थ ऊपर करके सुबह 6 बजे तक सो सकता है। तो ट्रेन के अंदर मिडिल बर्थ जो रहता है स्लीपर क्लास, थर्ड एसी इकोनॉमी और थर्ड एसी में, वो सबसे खराब सीट माना जाता है। वहीं पर बात करें अपर बर्थ की, तो अपर बर्थ सबसे सेफेस्ट सीट माना जाता है, क्योंकि वो बहुत सेफ है। अगर आप अपर बर्थ पे सो रहे हैं तो वहां तक किसी को भी जाना मुश्किल रहता है, तो आप अपना वॉलेट या मोबाइल रखते हैं साइड में तो आराम से सो सकते हैं बेफिक्र होके, क्योंकि ऊपर जाके कोई भी निकाल नहीं सकता है। और आपका जब मन चाहे अपने अपर बर्थ पर जाकर सो सकते हैं, या जब मन चाहे नीचे लोअर बर्थ पर आकर बैठ भी सकते हैं। बट जो अपर बर्थ है सीनियर सिटीजन्स या फिर लेडीज़ के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स को ऊपर चढ़ने में तकलीफ होती है और वहीं पर लेडीज़ को भी अपर बर्थ पर जाकर बैठने या सोने में तकलीफ भी होती है। और एक बेकार चीज़ अपर बर्थ में ये है कि अपर बर्थ में अच्छे से बैठ नहीं सकते हैं, क्योंकि बैठेंगे तो सर आपका ऊपर से टकराएगा, तो आप सिर्फ जाकर वहाँ पर सो सकते हैं। और वहीं पे बात करें सेकेंड एसी में जो अपर बर्थ रहता है, तो वहाँ पे आप आराम से बैठ के या फिर सोकर यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्पेस अच्छा दिया गया है। मिडिल बर्थ नहीं रहता है सेकंड एसी में, तो अपर बर्थ वाले पैसेंजर्स को कोई परेशानी नहीं होती है। वहीं पर बात करें दोस्तों साइड लोअर बर्थ की, तो हर पैसेंजर चाहता है कि उसे साइड लोअर बर्थ मिले, क्योंकि साइड लोअर बर्थ पे आराम से सो के वो बाहर का नज़ारा देखते हुए ट्रैवल कर सके। बट साइड लोअर बर्थ ज़्यादातर केसों में आरएसी पैसेंजर्स को ही दिया जाता है, इस सीट पे दो पैसेंजर शेयर करके ट्रैवल करते हैं। अगर आपको साइड लोअर बर्थ मिलता है तो आप बहुत लकी होते हैं, आराम से सो के बाहर का नज़ारा देखते हुए, बाहर की सुंदरता को अपने मोबाइल में कैप्चर करते हुए ट्रैवल कर सकते हैं। वहीं पे बात करें साइड अपर बर्थ की, तो साइड अपर बर्थ भी अच्छा ही सीट है, क्योंकि आप सेकंड एसी का साइड अपर बर्थ हो, स्लीपर क्लास का हो, थर्ड एसी का हो या फिर थर्ड एसी इकोनॉमी का हो, वहाँ पर आप आराम से बैठ सकते हैं या फिर लेट के भी यात्रा कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। साइड अपर बर्थ में बैठने पे जो ऊपर है आपके सर पे लगता नहीं है, जैसे कि अपर बर्थ पे बैठेंगे तो आपके सर पे लगेगा, बट साइड अपर बर्थ पे नहीं लगेगा, आप कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। और आपका मन किया तो आप नीचे साइड लोअर बर्थ पे भी दिन के टाइम पे बैठकर यात्रा कर सकते हैं। तो ज़्यादातर पैसेंजर्स का मन पसंदीदा सीट होता है साइड लोअर या साइड अपर बर्थ। वहीं पे बात करें फर्स्ट एसी की, तो अगर आप दो पैसेंजर कपल साथ में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके लिए कूपे बेस्ट रहता है, क्योंकि कूपे में दो सीट्स रहते हैं तो आप
दो पर्सन आराम से कूपे का दरवाजा बंद करके ट्रेवल कर सकते हैं, आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहेगी, कोई भी बाहर से डिस्टर्ब करने वाला आपके पास नहीं आएगा। और अगर आप एक फैमिली के चार मेंबर ट्रेवल कर रहे हैं तो आपके लिए कैबिन बेस्ट है, क्योंकि एक कैबिन में चार सीट्स होते हैं, तो चार मेंबर आराम से ट्रेवल कर सकते हैं। दरवाजा बंद कर लें कैबिन का और ट्रेवल करें, तो डिस्टर्ब करने वाला आपको कोई भी नहीं आएगा आपके कैबिन में, और आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहेगी। और वहीं पे बात करें सेकंड एसी कोच की, तो सेकंड एसी कोच के एक कैबिन में चार सीट्स रहते हैं, लोअर अपर, उसके अपोजिट सेम लोअर अपर, और साइड में दो सीट्स रहते हैं, साइड लोअर और साइड अपर। आपके कैबिन में कर्टन्स लगे हुए रहते हैं, तो आप कर्टन्स बंद करके यात्रा कर सकते हैं, और साइड लोअर साइड अपर बर्थ पे भी कर्टन्स रहता है, तो कर्टन लगा के आप यात्रा कर सकेंगे, तो डिस्टर्ब करने वाला कोई भी नहीं आएगा आपके पास। तो दोस्तों, आपकी कौन सी फेवरेट सीट है आप हमें कमेंट में लिख के जरूर बताएं। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। मिलते हैं आपसे अपने अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।